बल्लभगढ़ से जहां हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। बल्लभगढ़ में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। हरियाणा न्यूज के खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। सिनेमा हॉल को बंद कराया गया है और हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी, इसके बाद इस खबर का असर हुआ। कैमरे पर सिनेमा हॉल के मैनेजर ने अपनी गलती मानी है। फिल्म देखने आए लोगों को पैसे भी वापस कर दिए गए हैं। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी क्योंकि सभी थिएटर्स, मूवी हॉल्स, मॉल्स को बंद किया गया था, लेकिन जहां पर चलाए जा रहे थे हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद सिनेमा हॉल को बंद किया गया है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। सिनेमा हॉल को बंद कराया गया। कैमरे पर सिनेमा हॉल के मैनेजर ने अपनी गलती मानी है। फिल्म देखने आए लोगों को पैसे वापस किए गए हैं। बल्लभगढ़ से केस से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। हरियाणा न्यूज के खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से पहले टिकट्स को बेचा गया था, लेकिन जब हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद इस खबर का असर हुआ। सिनेमा हॉल को बंद कराया गया और खुद मैनेजर ने अपनी गलती मानी है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। सिनेमा हॉल को बंद कराया गया है। कर जिस तरीके से देश में हाहाकार मचा हुआ है, हरियाणा सरकार की हाई लेवल मीटिंग जिस तरीके से कल बुलाई गई थी और मीटिंग के बाद फैसला लिया गया था कि सिनेमा हॉल, पीवीआर, जितने भी सार्वजनिक हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उन सभी को, चाहे पब की बात करें, फिर नाइट क्लब की बात करें, जिम की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, बंद करने के आदेश दिए थे। पर हम इस वक्त बल्लभगढ़ में खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आकाश सिनेमा हॉल है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, यहाँ पर लोग मूवी देखने पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो टिकट काउंटर, हालांकि वो हमारा कैमरा देख के कहीं ना कहीं काउंटर छोड़कर भागे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले काउंटर खुला था, पर आप देख सकते हैं अंदर टिकटें भी बांटी जा रही थी। मैं अपने कैमरे से बोलूंगा क्लोज करें, टिकटें भी रखी हुई अंदर, पर हमारे कैमरे को देखकर वो काउंटर छोड़कर यहां से भाग गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको, उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने नोटिस जारी किया है, उसके बावजूद आप लोगों ने सिनेमा हॉल चला रहे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है, पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए सिनेमा हॉल के जो ओनर है, मालिक है, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में भी कई पीवीआर बंद है, पर बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ का आकाश सिनेमा हॉल पूरी तरीके से खुला हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, आप टिकट चेक कर रहे थे अभी, हॉल खुला हुआ है आपका? खुला हुआ है नहीं, पर सरकार ने तो आदेश दिया बंद करने के, यहाँ का भी कोई ऑर्डर नहीं है। सर आपका आपका हॉल खुला हुआ है अभी? नहीं अभी नहीं, अभी आते आप आए हो तो बंद करवा देंगे। नहीं, सरकार ने कल हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया था। फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की बात करें तो जितने भी पीवीआर हैं, सिनेमा हॉल है, बंद करने के आदेश दिए थे, पर हम देख रहे हैं लोग टिकट खरीद रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे को है पता नहीं चला है, अब आप आए हो पता चला है तो हम बंद करेंगे। मानते हैं आपकी आपकी गलती है? हाँ गलती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, हालांकि हरियाणा न्यूज के इंटरफेयर के बाद, हरियाणा न्यूज के हस्तक्षेप के बाद इस मॉल पीवीआर को, इस सिनेमा हॉल को बंद करने की बात कही जा रही है, पर सुबह से ये सिनेमा हॉल चलता हुआ नजर आया। राजा पटेल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार ने जब आदेश दे दिया कि सभी सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, बावजूद इसके बल्लभगढ़ में सिनेमा हॉल चलाया जा रहा था, लेकिन जब हरियाणा न्यूज वहां पहुंचा, खबर को दिखाया, तो हॉल को बंद कर दिया गया।